खबर चुनावी मैदान से है, जहां हरियाणा में चुनाव का फीवर अब बढ़ने लगा है। तो ऐसे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कंघी की हर तरफ चर्चा है। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव का माहौल हो और यहां कौन सी तस्वीर बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कभी बयानों पर बवाल हो जाता है, कभी पुराने वीडियोस पर, तो कभी मंच पर ऐसी बात हो जाती है जिसका नेताजी को अंदाजा ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा में कांग्रेस के नया पार लगाने की कोशिश में जुटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जहां वो मंच पर बैठे हैं लेकिन उनके सहयोगी उनकी कंघी करने लगते हैं। और अब यही तस्वीर बीजेपी ने एक चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दी। पहले तस्वीर देखिए, दरअसल ये वीडियो महेंद्रगढ़ का है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव दान सिंह के नामांकन के मौके पर गए। इसी दौरान वो मंच पर बैठे, मंच पर बाकी के नेता उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन तभी उनके पीछे खड़े पीएसओ अपनी जेब से कंघी बाहर निकालते हैं और फिर हुड्डा के बालों में कंघी करने लगते हैं। हैरानी की बात यह कि हुड्डा बड़े आराम से इस वक्त बैठे हैं, जैसे उन्हें इसका एहसास भी ना हुआ हो। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोग कमेंट करने लगे, तो बीजेपी ने भी इसको लेकर हुड्डा पर तंज कर दिया। हरियाणा बीजेपी ने इसे लेकर एक्स पर लिखा कि गजब की रईसी है भाई, हुड्डा जी ने एक व्यक्ति सिर्फ कंघी करने के लिए रखा है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया में हुड्डा की आलोचना भी कई लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान अगले महीने 5 अक्टूबर को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।